चलिए। इधर चलिए। आइए सेठ जी, आइए। रेणु कैसी है? मेरी रेणु रेणु अच्छी है। अच्छी है, मगर ये कौन सा अस्पताल है? अस्पताल तो नहीं, तो घर है। घर है, लेकिन इन लोगों ने जो कहा कि रेणु का कार एक्सीडेंट हो गया है, उसे अस्पताल पहुंचा दिया। ऐसी कोई बात नहीं, आ बैठिए, खजाने कोई बात नहीं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये लोग मुझे इस तरह यहाँ क्यों ले आए। सेठ जी, इस खुशी के मौके पर हमने सोचा आपका शामिल होना बड़ा जरूरी है। खुशी का मौका? मगर कैसी खुशी? आज हम कुमार की शादी रेणु के साथ कर रहे हैं। शादी? ये कैसे हो सकता है? सेठ जी माफ करना, मजबूरी में हर काम बहुत जल्दी से करना पड़ा। मैंने मजिस्ट्रेट को बुलवा लिया है। मगर राजा साहब, मुझे तो अभी तक रेणु की मर्जी का भी पता नहीं। मुझे पता है। अरे? और मुझे ये भी पता है कि आप रेणु को पता नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपके रहने का इंतजाम रेणु के साथ करवाया है। ये कैसी बातें हो रही है? कहाँ है रेणु, बताइए कहाँ है रेणु? अभी आज से आप हमारे मेहमान, आपके खाते दरवाजों में किसी किस्म कमी नहीं होगी। आपको सिर्फ एक जरा सी तकलीफ उठानी पड़ेगी, आप इस घर से बाहर नहीं जा सकते। कोई बड़ी बात नहीं है, दो चार दिन आदत पड़ जाएगी। खुशी रखी, बैठिए। बड़े खतरनाक लोग हैं दादी। वो तो मैं भी जान गया हूँ बेटा। लेकिन सेठ जी, जानकारी से कुछ फायदा नहीं। अब भला इसी में है कि आप चुपचाप रेणु की शादी होने दें? हरगिज नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी एक बदमाश के साथ कभी नहीं होने दूंगा। होने देंगे, अगर आप रेणु को प्यार करते हैं तो ये शादी जरूर होने देंगे। कभी नहीं होगी। अच्छी लड़कियाँ अपने बाप के खिलाफ कभी नहीं चलती, ये शादी तुम्हारे डैडी कराएंगे। हरगिज नहीं, मैं अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होने दूंगा। नहीं। मैं तीन तक गिनूंगा और तुम्हें फैसला का मौका देता हूं, जो कि हाँ होना चाहिए, वरना वहां गोली चल जाएगी। सोचना शुरू कर दो। इस गरीब की जान चली जाएगी। नहीं रेणु, नहीं नहीं रेणु। शाबाश, इसको तो ले जाओ।